खरगोन जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन और सेगांव में कार्यरत कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर सीएचएमओ कार्यालय पहुंचे और 3 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सीएचएमओ ने उन और सेगांव स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करके कर्मचारियों का टारगेट पूरा करने की बात कहकर लताड़ लगाई। इसी के चलते मांगों को लेकर महकमा जिला मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि अन्य जिलों की तुलना में हमसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं सीएचएमओ ने खुलासा करके बताया कि शासन की मंशा अनुरूप नियमानुसार कर्मचारियों की समस्या हल करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग समस्या ये लेकर आए थे कि कल जो सर उन दौरे पर गए थे तो कर्मचारियों से मिले भी नहीं। सुपरवाइजर के कहने पे दो वेतन वृद्धि लिखने का सर ने आज पेपर न्यूज में हमने देखा तो हम काफ़ी आक्रोश में हो गए कि सर मिले भी नहीं, सर जानते भी नहीं उनको कि कौन कर्मचारी है, उसका व्यक्तिगत काम देखा भी नहीं और उन्होंने सोकास नोटिस जारी किए हैं। इससे हम सर से बहुत नाराज हैं। टारगेट को लेकर बताया जाए, टारगेट एक अलग बात है। टारगेट जो शासन देती है वो बढ़ा के देती है तो कर्मचारी उसको पूरा करने का प्रयत्न करता है, लेकिन कुछ कोरोना के चलते हुए कुछ टारगेट नहीं भी हो पाए हैं। तो ये मतलब नहीं कि आप वेतन वृद्धि रोकें, जैसे पिछले ही सरकार ने वेतन वृद्धि हमें दी नहीं है और अब आने वाले समय में भी सर ने बोल दिया कि दो दो वेतन वृद्धि कर्मचारियों की रोकी जाए तो गलत है। हम सर से बहुत खपा हैं। क्या एग्रीमेंट भी को लेकर भी कुछ चर्चा हुई आपकी? हाँ, वो नहीं, वो वेतन वृद्धि के बारे में भी नहीं। हम लोगों ने जो हमारा उन्नयन हुआ है कर्मचारियों का उनके फाइल जल्दी से जल्दी जेडी कार्यालय को भेजने के लिए हमने सबसे निवेदन किया है कि वो जल्दी से करवाए, क्योंकि आर्थिक रूप से कर्मचारी का 2 से 4 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है तो वो मिलेगा तो कर्मचारी को थोड़ी राहत मिलेगी। अभी उन लोगों से मिले, उन क्या बोला आपने? सर ने बोला मैं पूरा आपका सहयोग करूँगा और जो दो वेतन वृद्धि रोकने के लिए बोला है वो भी मैं नहीं नोटिस जारी करूँगा, ऐसा करके आश्वासन सर ने दिया है। तो सर की बात अभी हमने मान ली है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या नाम है आपका? विजयलक्ष्मी सुंदर। उद्देश्य कर्मचारी आए थे, इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है, इनका एग्रीमेंट का बता रहे थे कि अन्य जिलों में दे दिया लेकिन अभी हम लोगों को दिया नहीं है। इस संबंध में हमें ये कहना है, उन्होंने जो ज्ञापन दिया है जो मेरे समक्ष है, उन्होंने पुराना ब्रह्मस्वरूप समिति ने जो अनुशंसा की थी उसके आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया। तो अभी तो उनका ये कहना है कि अभी तक यहाँ के बाबू यहाँ के विभाग ने नहीं किया है, पूर्व सीएमएचओ यहाँ पर पदस्थ थी रजनी डावर, उनको ये करना चाहिए था अभी तक, पर उनके द्वारा ये कर्मचारियों का वेतनमान का काम नहीं किया। मैंने आते ही संजय जैन जो यहाँ के स्थापना प्रभारी है उनको निर्देश दिए कि इनका जो भी समयमान वेतनमान ब्रह्मस्वरूप और अन्य क्रमोन्नति पदोन्नति इस संबंध में मैंने प्रपत्र 2 दिन पहले ही जारी कर दिया, तो इनकी पहली मांग ये यहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरी मांग इनकी है कि कई जगह जो है जन्मदर कम है वहाँ पर टारगेट शासन ने ज़्यादा दे दिया है, तो मैंने ये कहा है कि इसका सर्वे करा दिया जाए, अगर वो जन्मदर कम है जनसंख्या कम है तो उसके अनुसार हम शासन को लिखेंगे इसके टारगेट कम किया। तीसरा इन्होंने एक दिया है कि कोविड में हमने काम किया है, शासन के द्वारा 10,000 रुपये की घोषणा की गई थी पर कर्मचारी, पर शासन से अभी ऐसा हमारे पास कोई ऐसे निर्देश नहीं आए हैं, अगर जैसे ही आ जाएंगे तो हम इनको भुगतान 10,000 रुपये पर कर्मचारी कर देंगे और इस संबंध में शासन को पत्र लिखेंगे कि बजट का आवंटन किया जाए इनको, इनका जो 10,000 रुपये पर मंथ का जो कोविड में इन्होंने काम किया है, एक साल से लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे कर्मचारी और इनको इनका पैसा मिलना चाहिए। क्या नाम सर पूरा? डॉक्टर एस के सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।